देव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदिशक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ी में जगत व जीवन के सृजनकर्ता ब्रह्मदेव माँ की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे परमेश्वरी, आप ही स्वाहा हो, आप ही स्वधा हो और आप ही वशटकार व स्वरात्मिका हो। स्वाहा व स्वाधा के रूप में वे ही देवों व पितरों का पोषण करती हैं। देवों व पितरों की अस्तित्व रक्षा उनसे ही होती है। वे स्वयं ही वशटकार स्वरूप हैं। समस्त मंत्र उनसे ही प्रकट होते हैं। वे ही इन्हें शक्ति संपन्न करती हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इसी अनुभूति को अपने भावों में समेटते हुए माँ को पुकार रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं, सुधा तुमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्य विशेषतः। ये दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का 74वां मंत्र है। इसका अर्थ है, हे माता, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी तुम ही हो। इस कथा प्रसंग में माँ के जीवनदायिनी स्वरूप की अभिव्यक्ति दी गई है। सृष्टि में विविध रूपों में जीवन अंकुरित होता है। अनगिनत रूपों में जीवन के अंकुर फूटते हैं। वृक्ष वनस्पतियों के रूप में विविध जीवों की माताओं की कोख में जीवन के बीज अंकुरित होते हैं। फिर ये पशु पक्षी हों या देव दानव मानव, इस अंकुरण को जगन माता ही अमृत बनकर सींचती हैं। यदि वे स्वधा स्वरूपा बनकर इसे सिंचित ना करें तो ये अंकुरण संभव ही ना हो। सृष्टि की हर कोख बंध्या हो जाए, हर माता अपना मातृत्व खो दे। वे जगन माता सनातन हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता जब वे नहीं होती। जब सृष्टि अपनी स्थिति में रहती है तब इसमें जीवन प्रवाहमान रहता है, तभी वे होती हैं। प्रलय काल में जब संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है, जब रूप व आकार की सत्ता निराकार की सत्य में समा जाती है, तब भी उनकी शाश्वत उपस्थिति बनी रहती है। स्थान व समय की सीमाएं कभी भी उनकी उपस्थिति को बांध नहीं पाती। इसी कारण तो वे नित्या व सनातनी हैं। इस सच्चाई को और अधिक स्पष्ट करने वाली एक घटना है। ये घटना बंगाल के प्रसिद्ध शक्ति साधक जगन माता के अनूठे भक्त राम प्रसाद के जीवन की है। राम प्रसाद द्वारा गाए गए उनके द्वारा रचित भजन बंगाल में आज भी घर घर गांव गांव गाए जाते हैं। भक्त राम प्रसाद सामान्य क्रम में माता के सगुण रूप की उपासना करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब वो ओमकार का जप करते हुए निर्गुण उपासना करने लगे। कई लोगों ने उन्हें इस पर टोका और कहने लगे, अरे राम प्रसाद, क्या तुमने माता की भक्ति का त्याग कर दिया? इस पर वे बोले, ये क्या बात हुई, अपनी माता तो सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। यदि ह्रीम में उनका बीज मंत्र है तो ओम भी उनका ही बीज मंत्र है। वो शक्ति स्वरूप हैं तो ब्रह्म स्वरूपा भी हैं। राम प्रसाद की बात सुनकर आलोचना करने वालों को समझ में आ गया कि माता के भक्त में भक्ति एवं ज्ञान एक साथ समाविष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के 74वें मंत्र का साधना विधान। यह है 74वें मंत्र का विनियोग। विनियोग आपकी स्क्रीन पर है, उसके बाद में न्यास करें। न्यास के मंत्र के सामने जो जो अंग दिए गए हैं उनका स्पर्श करते जाएं। उसके बाद ध्यान का मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, माँ का ध्यान करें। मंत्र है,
ओम एम स्लूम नमः। सुधा तुमक्षरे नित्यात्रधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यान्युचार्या विशेषतः नमो स्लूम एम ओम। मंत्र का विधान वही है, 10 माला गायत्री मंत्र की और 1 माला इस सप्तशती मंत्र की। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद प्रत्येक का दशांश हवन करें। आध्यात्मिक फलश्रुति है, मंत्र साधना में सफलता की प्राप्ति होती है। और लौकिक फलश्रुति है, वाणी में प्रभाव बढ़ जाता है। गायत्री महामंत्र के साथ इस सप्तशती मंत्र की साधना के प्रभाव बहुत रहस्यमय है। साधना का क्रम यदि नियमित रखा जाए, निश्चित व निरंतर आप इसको करते रहें, तो कुछ ही समय के बाद इसके प्रभाव प्रकट होने लगते हैं। निश्चित संख्या, निश्चित समय व निश्चित स्थान का ध्यान रखना आवश्यक है, जबकि साथ भाव की गहराई व विचारों की एकाग्रता भी ध्यान में रखनी होगी। जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जिह्वा के माध्यम से चित भूमि पर प्रभाव पड़ने लगते हैं। इस साधना को करने से आपके विशुद्धि चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है और वाणी प्रखर व प्रभावशाली होने लगती है। इस साधना की नियमितता और निरंतरता बनी रहे तो सामान्य जन ही नहीं, विशिष्ट जन भी साधनारत व्यक्ति की बात सुनने मानने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, साधक की साधना की ऊर्जा उनके भावों व विचारों की दिशा परिवर्तित करने में समर्थ होती है। यदि साधना में संसार से कोई अपेक्षा ना हो तो सहज ही साधक की चेतना ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, साथ ही प्रत्यक्ष होने लगती है जगन माता की कृपा की अनुभूति। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ जाए और यदि आप चाहते हैं कि आपको मंत्र साधना में सफलता मिले, तो आप ये साधना अवश्य करें।